जवाबदार आइडेंटिफाई क्या वे और सजा दी वजें हेल्थ डिपार्टमेंट के हाले से गाया तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो बजट हिन्ने साल सोलह परसेंट बधाया हुआ, हुआ एक सौ चौदह एक सौ चौदह अरब से इसको एक सौ बत्तीस अरब कर दिया गया है ऑन गोइंग स्कीम्स एक सौ इकतालीस है न्यू स्कीम्स फिफ्टी वन है टोटल स्कीम्स वन नाइन्टी टू हैं ऑन गोइंग स्कीम्स में से सिक्सटी थ्री स्कीम्स ऐसी हैं जो दो हजार सोलह से चल रही हैं और अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो इस साल रखा गया है वो रखा गया है 23.5 बिलियन पर मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो 17.7 बिलियन का डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रखा था उसमें से सिर्फ 19 परसेंट यानी कि 3.3 बिलियन ही इन स्कीमों में लग सका एडीपी स्कीम्स की अगर मैं बात करूँ तो नीपा हॉस्पिटल जिसका नाम चेंज करके इन्फेक्श डिजीज हॉस्पिटल रख दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इकलौता गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना था ये 2009 में अप्रूव हुआ इसको 2012 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था पर 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट और 2019 में हमने यहां पे सुना हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने हमें बताया कि इसको हैंड कर रहे हैं एन के इसको अब इन्फेक्शन हॉस्पिटल का नाम दे दिया गया है सीएम साहब ने हमें अपनी स्पीच में बताया कि इसके लिए दो अरब रुपए रखे गए हैं और ये दो से तीन महीने में 200 हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा पर जब मैं एडीपी का वॉल्यूम फाइव देखता हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस साल इसके लिए 75 मिलियन रखे गए हैं और इसकी टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन 2023 दिखाई गई है स्पीकर साहबा मुझे लग रहा है कि ये रेन जो बारिशें आएंगी तो इसको शायद रेन इमरजेंसी सेंटर में डिक्लेयर कर दिया जाए चौथी दफ़ा रिनोवेशन वर्क एट हलरी जनरल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो ये स्कीम दो में अप्रूव हुई एक मिलियन एक मिलियन की स्कीम है सात साल में इस पर एक रुपया खर्च नहीं हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपीडी ब्लॉक टू स्टोरी इमरजेंसी ओटी सर्जिकल आईसीयू सी यू शहीद बेनज़ी आबाद में अप्रूव हुई 847 मिलियन का प्रोजेक्ट है छः साल में इस पर एक रुपया खर्च नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रॉमा सेंटर चांडगा मेडिकल कॉलेज दो में अप्रूव हुई एस्टिमेटेड कॉस्ट दो मिलियन चार साल में इस पर सिर्फ दो परसेंट रुपये दो परसेंट इसका फंड लगा है और अब कहते हैं कि 2021 में यानी कि अगले साल दो परसेंट से इसको हंड्रेड परसेंट कर दिया जाएगा पता नहीं ये कैसे करेंगे करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज की मद में 2018-19 में 59 बिलियन खर्च हुए 2019-20 में 82 बिलियन खर्च हुए और 2020-21 में 83 बिलियन इसमें खर्च करने के लिए रखे गए हैं पर ऑन ऑन ग्राउंड रियलिटीज हमें कुछ और बताती हैं ऑनलाइन सी स्कैन जो इकलौती सी स्कैन मशीन जो चांडका मेडिकल हॉस्पिटल में है वो चार महीने से ख़राब है एक्सरे मशीन्स वहाँ पर पुरानी हो चुकी हैं वहाँ पर जो डायलिसिस मशीन हैं उनमें से बीस में से आठ जो है वो ख़राब रहती हैं आर ओ प्लांट वहाँ पर कभी काम करता है कभी नहीं करता मेडिसिन दवाइयों की शॉर्टेज है यहाँ पर जे पी एम सी में भी सिविल हॉस्पिटल कराची में भी और एन आई सी एच में भी सिविल हॉस्पिटल कराची में जो एम आर आई फैसिलिटी है वो पिछले सेप्टेम्बर से, से बल्कि उससे भी पहले ख़राब पड़ी हुई है कोई उसको बनाने वाला नहीं है एनजीओ कार्डियोलॉजी वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एनजियो के लिए जो मशीन्स हैं दो मशीन्स में से एक तो सालों से ख़राब पड़ी है और जो दूसरी है उसको रिपेयर की सख्त ज़रूरत है पर उसको भी बनाने वाला कोई नहीं है मैं बारह इस ऐवान में तोज्जा दिला चुका हूँ इसकी तरफ सर्जिकल आईसीयू जो तीन महीने पहले इनोग्रेट किया गया है वहाँ पे एक्सरे मोबाइल एक्सरे रे मशीन्स की ज़रूरत है मेडिकल आईसीयू और वेंटिलेटर्स जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें शिकार बदीन मीरपुर खास सांगर शामिल हैं वहाँ पे फंक्शनल नहीं है वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में भी मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उमरकोट डीएच हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे न्यूनेटल केयर मशीन्स जो है वहाँ पे उनको चलाने के लिए टेक्नीशियंस नहीं है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो एक रिपोर्ट कंपाइल की थी जिसके, जिसके थ्रू बताया गया था कि पूरे सूबे में इस वक्त इकतालीस हजार बेड्स अवेलेबल हैं ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों बेड्स की हम अगर आ, बात करें इसका मतलब है कि एक हॉस्पिटल बेड चौदह लोगों के लिए मेरे सूबे में जो कि बहुत कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हवाले से ये आधे से भी कम है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में 15,000 डॉक्टर इस पर काम कर रहे हैं और 30,000 हजार पैरामेडिकल स्टाफ है जिसका मतलब है कि तीन डॉक्टर्स और छह पैरामेडिकल स्टाफ एवरी 10,000 10 थाउजेंड रेजिडेंट्स के लिए हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हवाले से बहुत कम है 17 डॉक्टर्स होने चाहिए एवरी 10,000 थाउजेंड रेजिडेंट्स uh, के लिए एक बर्न सेंटर पूरे सूबे में इस वक्त काम कर रहा है जो कि सिविल हॉस्पिटल कराची में है चालीस बेडेड हॉस्पिटल दूसरा दूसरे की कंस्ट्रक्शन ही खत्म नहीं होकर देरी स्पीकर साहब दो हजार सोलह से अभी तक उस पर फिफ्टी परसेंट काम हुआ है हैदराबाद में वो बन रहा है एम्बुलेंस अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू सेव लाइफ इफेक्टिव रेस्क्यू रेस्क्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एम्बुलेंस एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं अगर हमने यहाँ पे बहुत जिक्र सुना है मुख्तफ हॉस्पिटल्स का एन आई भी उसमें शामिल है पर मुझे आप ये बताइए कि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब जब तक आपके पास कोई रेस्क्यू सर्विस नहीं होगी एम्बुलेंस की सिस्टम नहीं होगा आप उसको कैसे बचा सकेंगे एमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम दस मिनट होता है उस दस मिनट में वहाँ तक पेशेंट पहुँचेगा कैसे हमने देखा कि यहाँ पे लोग चिंची को एम्बुलेंस बना के गधे गाड़ी को एम्बुलेंस बना के उस पे पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जो बीमारियों की है वो बिकॉज ऑफ वाटर वाटर वाटरबॉर्न डिजीजेस पानी की वजह से और सैनिटेशन की वजह से होती है पर अगर पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट बजट में उन्होंने 20 अरब रुपए खर्च किए हैं 20 अरब रुपए का उनका डेवलपमेंट बजट था उनमें से उन्होंने सिर्फ 24 फोर परसेंट फोर बिलियन खर्च किया है अगर ये बजट सही तरह से खर्च हो जाता तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट बढ़ाया गया है उनको भी जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि नंगर पार्कर में कुएं खोदने की वजह से पांच लोग दब के मर गए थे तो यहाँ पे कुएं पानी की तलाश में मौत का सफ़र हो रहा है लोगों के जिंदगी में बहुत शुक्रिया टाइम आपका हो एक मिनट में आपसे लूंगा और देखा गया है कि इस बजट में ग्रांट्स रखी गई हैं जो मुख्तलिफ डिज़ीज़ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स के लिए अच्छी बात है आपको रखनी चाहिए पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो इस वक्त है वो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल्स और ताल्गा हेल्थ ताल हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की क्योंकि बहुत सारे लोग तकरीबन 60 परसेंट लोग जो सिविल हॉस्पिटल कराची आते हैं सूबे के दूसरे शहरों से उनको ट्रांसपोर्ट यहाँ तक आने में भी काफ़ी तकलीफ का जो है Uh, मुश्किल का सामना होता है अगर यही सहूलियात उनको अपने करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तालका हॉस्पिटल्स में मिल जाए तो उनको इतनी तकलीफ नहीं हो जो या, वो यहाँ तक आते हैं एन की हमेशा बात की जाती है एन एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है एन का स्पीकर साहब मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो डिजीजेस तमाम बीमारियों का इलाज एन नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल्स और तालका हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है ताकि लोगों को उनके घर के करीब अच्छी सेहत की सहूलियात मयसर हों बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया